हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे वॉशिंग मशीन की पीसीबी के बारे में, ठीक है, और उसके फॉल्ट के बारे में और उसके एरर के बारे में भी बताएंगे कि क्या एरर आता है तो क्या होता है। ये देखिए, ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें सब कुछ चल रहा है लेकिन पानी नहीं ले रही है। ये पानी ना लेने पे यहाँ से बहुत ही सफाई से काट करके और इसको रिपेयर करके वापस इसको ऐसे लगा दिया जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमने बनाया है, ठीक है। ये सैमसंग का है। अगर 1E लिख के आता है तो प्रेशर सेंसर ख़राब है, DE लिख के आता है तो डोर स्विच का फॉल्ट है, U4 आता है लिख करके तो पानी धीमा आ रहा है, U8 लिख के आता है अनबैलेंसिंग का फॉल्ट होता है, मशीन आपकी जो है अगर हिलेगी तो U8 लिख के आ जाएगा। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके देख रहे हैं, ये 1 फुल का है, इसका प्रेशर सेंसर एरर है E1 है, डोर स्विच का DE है, ठीक है। ये और ये देखिए आप, LG की फ्रंट लोडिंग मशीन है, ये बनने गया ही है, इसका भी 1E का एरर है, प्रेशर सेंसर का 1E का एरर है। आप देखें और ध्यान से समझें। अगर आपकी वॉशिंग मशीन एक साइड चलती है और दूसरी साइड नहीं चलती है तो पीसीबी आपकी खराब है। अगर एरर कोई आता है तो पीसीबी सही है, सेंसर खराब है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा कई बार मशीन वॉश तो चलता है लेकिन स्पिन नहीं चलता है। इसके से लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर वॉश तो चल रहा है लेकिन स्पिन नहीं चल रहा है। स्पिन पे अगर नहीं चल रहा है तो मैं आपको बताता हूं आज वो फॉल्ट जो आप बहुत ध्यान से देखें, आज जो शायद ही कुछ लोगों को मालूम होता है। अगर मशीन का पानी पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है तो स्पिन आपका स्टार्ट नहीं होगा, इसकी वजह से स्पिन आपका नहीं चलता है। इसको फॉल्ट को किस तरीके से हम चेक करें ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो पीछे का उसका डोर खोलें, पीछे का डोर खोल करके प्रेशर सेंसर का रबड़ लगा होता है उस रबड़ को हटा दें, उसके बाद आप स्पिन पे डालें मशीन को। स्पिन अगर पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेती है तो मशीन के साइफन टेक्नोलॉजी का फॉल्ट होता है, ना ही पीसीबी का, ना ही प्रेशर सेंसर का, ना ही मशीन का। मशीन के अंदर साइफन टेक्नोलॉजी का फॉल्ट होता है जिसमें प्रेशर सेंसर का रबड़ लगा होता है। आप ध्यान रखें, मशीन में पानी भरें और पीछे प्रेशर सेंसर का रबड़ निकाल दें, वहां प्रेशर से पानी आना चाहिए, कम से कम 6 इंच दूर पानी आपका निकलना चाहिए तो आपका टैंक सही है, नहीं तो आप टैंक को अच्छी तरीके से साफ करें। ये ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है पानी ओवरफ्लो हो गया और वॉश हमारा नहीं चलता है। इस चीज को ध्यान रखें कि मशीन जब वॉश होती है तो पीछे से रबड़ निकल जाता है, पीछे का आप रबड़ खोल के देखें, पीछे रबड़ निकल जाता है तो भी वॉश आपका नहीं चलेगा, पानी ओवरफ्लो के बहने लगेगा, ध्यान रखें इस चीज को। मैंने जो आपको साइफन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, उस चीज के बारे में आपको बताया है जो शायद ही कुछ लोगों को मालूम होता है, उस चीज को आप ध्यान से देखें और उसको सफाई कर लें, उसकी अच्छे से साफ करके फिर लगाएं तो आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर दोबारा नए फॉल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे।